आज का वीडियो बहुत ही खराब है, समझना और याद रखना इस बात को। बहुत महंगा पड़ेगा शादी से पहले लड़की को आंख मारना, बहुत महंगा पड़ेगा शादी से पहले सेक्स करना, बहुत महंगा पड़ेगा शादी से पहले शादी का जश्न मनाना और सोचना भी। महंगा पड़ेगा बेटा सुधर जाओ और नरक की आग से बचा लो। आज के समय में बहुत सारे लोग पाप करें, व्यभिचार करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, सेक्स वीडियो देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को, सुधार जाओ और बचा लो अपने आप को उस नरक की आग से, वरना सारी गर्मी सारी हेकड़ी उस अनंत काल की आग में निकल जाएगी। अभी तो मज़ा आ रहा है, अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। याद रखना जब आपको दूसरी मृत्यु दी जाएगी तो वहीं खूब एक दूसरे को लव यू कहना और खूब सेक्स वीडियो देखना, इतना हाहाकार उसमें मचा होगा। इसलिए छोड़ दो और लौट आओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, वो एक नया जीवन देगा। क्यों पाप करके भी विचार करके अपने प्राण क्रॉस करना चाहते हो भाई? बहुत महंगा पड़ेगा शादी से पहले शादी को सोचना और जश्न मनाना, सोचना भी पाप है मेरे प्रियजनों। बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा लड़की को आंख मारना। लड़कियों सुनो, सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को। शादी से पहले होठों पर लिपस्टिक लगाना बंद कर दो, छोटे छोटे टाइट कपड़े पहनना छोड़ दो, बंद कर दो, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। समय कम है और यीशु मसीह आने वाले हैं। समय कम है और बचा लो अपने आप को, वरना सारी गर्मी उस अनंत काल की आग में निकल जाएगी। बहुत सारे लोग पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, अंधेरे में पाप करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। शायद वो मसीह की भूल है, वो मसीह भूल चुका है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए बाइबल से प्रूफ, अय्यूब 34 का 21 और 22 वचन में लिखा हुआ है। ध्यान से आंख खोल कर इस वीडियो को देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ कल्पना गणने छिप सके। ऐसा स्थान परमेश्वर ने कहीं भी नहीं ठहराया। भैया आप चाहे जहाँ छिपके पाप करो, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर आपका न्याय करेगा। जब परमेश्वर न्याय करेगा वह हर एक इंसान अपने मुख से लेखा देगा। जरा सोच के देखो मेरे प्रियजनों, जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नरक में जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ बचा लो और सुधार लो अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, बहुत भयानक परमेश्वर। अभी बचा लो और छोड़ दो और लौट अपने आप को, बचा लो मेरे प्रियजनों, तैयार कर लो, यीशु मसीह आने वाले हैं। उसकी आज्ञाओं को फॉलो करो, अरे आज्ञाएं रह जाएंगी, अरे वचन रह जाएगा, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो और लौट आओ परमेश्वर के पास। यीशु मसीह आपको माफ कर देगा, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। यह सब क्षण भर में और पलक मारते ही होगा। अरे छोड़ दो गंदी लतें, छोड़ दो पाप, छोड़ दो बुराई, छोड़ दो सेक्स वीडियो देखना, छोड़ दो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, छोड़ दो किसी की बुराई करना, छोड़ दो किसी के पीछे भागना। अरे बंद कर दो और अपना जो पैर है स्थान भूमि फूक फूक कर रखो कि मुझसे पाप तो नहीं हो रहा है, मुझसे अपराध तो नहीं हो रहा है, और हालेलुया आमीन बोलकर यीशु मसीह का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे, जब तक आप उसके वचन पर नहीं चलोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। समय चला जाएगा, यदि आत्मा शरीर से बाहर आ गई तो क्या होगा उस समय? अरे फेंक देगा परमेश्वर न्याय करके उसको नरक में, स्वर्गदूत खींच तान के उसको नरक में फेंक देंगे, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। अभी लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। कब तक पाप करते रहोगे? कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे? कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे? अरे अंत है, क्या अंत नहीं? अंत है इन सब पापों का। पश्चाताप करो और मन फिरा लो, वरना महंगा पड़ेगा शादी से पहले सेक्स करना, महंगा पड़ेगा शादी से पहले लड़की को आंख मारना, महंगा पड़ेगा शादी से पहले लड़की के पास लेटना सोना, महंगा पड़ेगा जो आप कर रहे हो, तुम्हारा जो बाप स्वर्ग में बैठा है देखता है आप क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। परमेश्वर देखता है और परमेश्वर हर एक इंसान का उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसका न्याय करेगा, याद रख लेना। अय्यूब 34 में लिखा 21 और 22 वचन है,
क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चल पे लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जहाँ पर अनंत कृपा गदन छुप सके। अरे छोड़ दो, जो आप पाप कर रहे हो, छिप के पाप कर रहे हो, टीलों में, रूम में, झाड़ियों में जाके पे पाप कर रहे हो, अरे बंद कर दो और लौट आओ। परमेश्वर देखता है, न्याय करेगा जो पाप कर रहे हो। परमेश्वर गिन के लिस्ट बना रहा है, न्याय करेगा, लिस्ट खोल के दिखा देगा मेरा परमेश्वर। मन फिराओ और लौट आओ और पश्चाताप करो। किसी के पास्टर के पीछे मत भागो, कौन सही है कौन गलत है परमेश्वर जानता है। आप यीशु के वचन पर चलो, आप पिता से प्रेम करो, आप परमेश्वर से प्रेम करो, उससे प्रेम करो और यीशु मसीह आपको माफ करेगा, पवित्र आत्मा आपको क्षमा कर देगा और हमारे परमेश्वर को सोखित ना करो पाप करके। मुझे आशा है विश्वास आपने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।